आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज टू बी रेज्ड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट थ्रू अ हाइट 9.8 मीटर। The greatest tension which the string can safely bear is 20 kg of weight. The least time of ascent is --. चार ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 3 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज 4 सेकेंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे बोला गया है एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और वो रेज की जा रही है बाय मासलेस स्ट्रिंग के साथ। सपोज़ ये मासलेस स्ट्रिंग है, ओके, तो स्ट्रिंग से वो जब रेज करेगी तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, ओके। सो जब ये रेज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट इसी बॉडी के ऊपर और एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा इटसेल्फ वेट mg विच इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पे जो अगर हमें मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस बॉडी का रेज होते वक्त, तो हम बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे फोर्स का। सो टेंशन माइनस इट्स डाउनवर्ड फोर्स mg विच इज़ इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स ma, राइट। सो ये बैलेंसिंग इक्वेशन है फोर्स का। सो हमें टेंशन पता है, टेंशन है 20 kg ऑफ वेट, सो टेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो 20 ग्राम ऑफ वेट टेंशन दिया है, सो 20g माइनस ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम, सो 10g इज इक्वल्स टू 10a, ओके। सो 20 माइनस 10g मीन्स 10g विच इज इक्वल्स टू 10a। सो यहाँ से हमें मिलेगा जी की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इतनी है, ओके। सो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। सो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन के लिए मैंने ये इक्वेशन लिया है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो जी इतनी है, इट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है डिस्प्लेसमेंट का, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। बट ड्यूरिंग हाफ टाइम बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन, एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ टाइम वो डिसलरेट हो रही है विद द सेम मैग्नीट्यूड टू कम टू रेस्ट, राइट। ऐसे बोला गया है। सो रेस्ट पोजिशन के आने के लिए भी वो डिसलरेट हो रही है विद द सेम हाफ टाइम से, राइट। सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे, ओके। इट मीन्स एच बाई टू इतना डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे फॉर टाइम जो है वो फर्स्ट हाफ के लिए सपोज t1 हम कंसिडर कर रहे हैं, और सेकेंड के लिए भी सेम टाइम लगेगा विच इज़ इक्वल्स टू t1, ओके। सो अब हम ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट पोजिशन पे है, राइट। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, सो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा एच बाई टू, बिकॉज एस की वैल्यू हम हाफ डिस्टेंस के लिए हम एच बाई टू लिख सकते हैं। एच बाई टू यू मल्टीप्लाई बाई टी इज़ जीरो, बिकॉज यू इज़ जीरो, सो 1/2 ऑफ ए टी। सो ए क्या है हम कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे हाफ टाइम जो लगने वाला है, हाफ टाइम फॉर द बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस के लिए वो कंसिडर करेंगे। सो ए टी वन स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे टी वन के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 विल बी कैंसल आउट, सो t1 विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन t1 स्क्वायर। सो t1 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला मिलेगा। सो अगर आप एच की वैल्यू पुटअप करोगे तो हाफ डिस्टेंस मतलब हाफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो वो एच जो है वो 9.8 है, तो 9.8 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू जी कितनी है, सो जी कितना होता है 9.8, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 सेकेंड। सो ड्यूरिंग हाफ टाइम बॉडी जो एक्सेलरेट होगी फ्रॉम रेस्ट पोजिशन से तो वो 1 सेकेंड में होगी, और वो डिसेलरेट भी होगी वो भी 1 सेकेंड में होगी। सो टोटल टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड लगेगा। सो यहाँ पे लीस्ट टाइम ऑफ असेंट पूछा था, तो लीस्ट टाइम ऑफ असेंट जो है वो 1 सेकेंड है, राइट। सो लीस्ट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।